हाय, तो मैं फिर से हाजिर हूँ एक बार एक इन्फॉर्मेशन लेकर जो कि रिलेटेड है बीटीएस से और बीटीएस के जन के हग इवेंट से ये रिलेटेड है। और फिर से बिगिट्स ने एक अपोलॉजी डाली है। देखो, इससे पहले जब आइवर और डॉर का झगड़ा हो रहा था तो इस दौरान बीटीएस को घसीटा गया था। उस दौरान भी जो आर्मी है उन्होंने बहुत लथाड़ा था बिगिट्स को। उसके बाद उधर से एक अपोलॉजी जो थी वो डाली गई थी और एक बार फिर से कुछ ऐसा हुआ है कि वापस से बिगेट्स ने अपॉलॉजी डाली है। तो देखो, जैसा कि मैंने तुम लोग को बताया था कि बीटीएस जिन जो है वो वापस आ रहे हैं 12 तारीख को और उसी दिन बीटीएस का एनिवर्सरी भी है। तो ऐसे में जिन ने खुद ही जानकारी दी थी कि वो वी लाइव करेंगे यानी वेवर्स पर लाइव करेंगे, उसके बाद उन्होंने बताया था कि एक इवेंट भी होगा, हग इवेंट, ये तो उनके द्वारा जानकारी दी गई थी। लेकिन कुछ देर बाद एजेंसी के थ्रू एक स्टेटमेंट रिलीज की गई जिसमें बताया गया कि वो जो हग इवेंट होगा उसमें केवल वही आर्मी पार्टिसिपेट कर पाएंगे जो आर्मी बीटीएस मेंबर्स के वीवर शॉपर से एल्बम्स खरीदेंगे स्पेसिफिक टाइम फ्रेम का, वही लोग सिर्फ अलाउ होंगे, बाकी अदर आर्मी जो है वो अलाउ नहीं होगी। तो देखो, आर्मीज़ को इतना पता है कि बीटीएस मेंबर कभी भी आर्मीज़ को नहीं कहते कि तुम हमें एक्सपेंसिव गिफ्ट दो या फिर भारी भरकम गिफ्ट भेजा करो। उन लोग भी हैं वो ध्यान रखते हैं कि आर्मी, क्योंकि बहुत सारी आर्मी हैं जो बच्चे हैं लाइक, अब वो भी हैवी अमाउंट एक्सपेंस कर देते हैं तो वो लोग मना करते हैं इन चीज़ों से। तो कहीं ना कहीं आर्मी को ये चीज़ लगता है कि बिगिट जो है वो जिन से जानबूझ के ये इवेंट करा रही है, क्योंकि जिन जो है मुझे नहीं लगता कितने कंफर्टेबल होंगे कि हर किसी को हक कर सकें। तो ये हो सकता है कि पैसे कमाने की वजह से बिग हिट्स जानबूझ के उनसे करा रही है, और चूंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा होता है तो यही रीज़न होता है कि वो लोग अपोज नहीं कर पाते हैं। तो इसी को लेकर आर्मी ने वापस से बिग हिट्स का बैन बजाया, बहुत ट्रोलिंग करी। उसके बाद बिग हिट्स ने वापस से एक माफ़ीनामा डाला है यानी एक स्टेटमेंट डाला है जिसमें उन्होंने लिखा कि हेलो, दिस इज़ बिग हिट्स म्यूज़िक। He would like to inform you that the application criteria for 2024 Festa Jin offline event are scheduled to change. We apologize for the unclear content of the previous notice for not setting the application criteria carefully in advance. तो उसके बाद उन लोगों ने माफ़ी मांगी है और उन्होंने कहा है कि हम लोग अपना बेस्ट कर रहे हैं और जिन आप लोगों से, और उन्होंने एक बार फिर से माफ़ी मांगी फैन से इनकन्वीनियंस के लिए। और उन्होंने कहा है कि जिन का ऑफलाइन इवेंट अब 13 जून को होगा और फिर उन्होंने थैंक यू लिखा है। तो 13 जून को होने वाला है जिन का फेस्टा जिसमें आर्मीज पार्टिसिपेट कर सकते हैं और फ्री हग पा सकते हैं। हालांकि उसमें और भी बहुत कुछ लिखा हुआ था जो मेरी समझ में नहीं आया तो मैंने आपको नहीं बताया।